उसके बाद में एक ये रिद्धि सिद्धि वाली है, और ये एक बैठे चूहे पे भी है, और उसके बाद में एक ये दो मोर बा डबल मोर वाली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए न्यू वीडियो में। और आज अभी सुबह सुबह मैं आया हूँ करीबन 9:30 बजे सद्भाव मूर्ति हाउस पर, और यहाँ पर गजानंद भगवान की मूर्तियाँ बनती है, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सभी मूर्तियों के ऑर्डर भी लिए जाते हैं, और आपको मूर्ति चाहिए बिना ऑर्डर के वो भी मिल जाती है। तो जैसे सभी को पता है कल गणेश चतुर्थी है, और भगवान गजानंद भगवान सभी घरों में सभी पांडालों में विराजमान होने जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का इस साल निर्माण किया गया, बनाई गई है। और चलो पूछते हैं हम यहाँ के ओनर से, और कैसा क्या है इस साल मूर्तियों का रिस्पांस, कैसे ऑर्डर वगैरह है, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहले कुछ एक्सपोज वीडियो आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम मिलते हैं यहाँ के ओनर से। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अभी कुछ मूर्तियों पे कलर हो रहा है, अभी ये बिल्ला व्हाइट क्या पोत रहा है भैया, सफेद मिट्टी पोत रहा है, और कुछ मूर्तियों कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मूर्ति कैसे क्या है, क्या सीन है। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी होकर कलर वगैरह कंप्लीट हो रहा है, अब श्रृंगार बाकी है। तो आपको दिखाता हूँ कुछ एक्सपोज वीडियो का, तो आनंद लीजिए, उसके बाद फिर हम और दिखाते हैं आपको। और इधर बने हैं बहुत खूबसूरत अयोध्या मंदिर का सीन दिया गया है इस मूर्ति के बैकग्राउंड में, और बजरंगी और भगवान राम का सीन दिखाया गया है इस मूर्ति के अंदर। अभी चल रहा है गजानन भगवान का कलर मेकअप सेकअप। आखिरी टचिंग चल रही है ना, तो ये मूर्तियों की आखिरी प्रोसेस में वो काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर भी आए हैं मूर्ति पसंद करने, जो मूर्ति को पांडाल में बिठाते हैं। तो कौन सी पसंद आ रही लल्ला भाई? ये वाले आ रही है। ये वाले, इसमें क्या खासियत है ये बताइए? खूबसूरती अच्छी लग रही है भाई साहब जी। तो इनको भैया को ये दिखने दिखने सुंदरता जी, वो तो काफी लगी रही है मूर्ति देख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर साल यहीं से मूर्ति परचेज करते हो कि बाहर से लाते हो? अपना पांडाल भी लगता है? पांडाल लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आए हैं रेटी के जो मूर्तिकार हैं राम स्वरूप भाई प्रजापति, और ये दुर्गा जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, काफी सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते हैं स्वयं, और काफी अच्छी डिजाइने बनाते हैं। इस साल भी कुछ नई डिजाइन मूर्ति बनाई है, तो हम मिलवाना चाहेंगे राम स्वरूप भाई प्रजापति से, और पूछेंगे इस साल कैसा क्या है कोरोना के बाद।
तो दोस्तों मिलिए राम स्वरूप भाई से। नमस्कार, नमस्कार। और क्या हाल चाल? सब ठीक है। कैसा क्या काम चल रहा है मूर्तियों का? बस बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है इस बार। कितनी क्या मूर्ति बनाई है आपने? कोई लगभग हर साल जो बनाते हैं थोड़ी सी ज्यादा बनाई इस बार, जरा पिछली बार नहीं बनाई थी इस बार थोड़ी सी ज्यादा बनाई। हाँ अच्छा मिल रहा है इस बार। बड़ी मूर्ति बनाने का आदेश होगा? हाँ बड़ी मूर्ति ज्यादा आर्डर आ रहा है बड़ी मूर्तियों के, तो इसलिए थोड़ा बड़ी पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कुछ नई डिजाइन बनाई है कि कोई पुरानी? नहीं नहीं नई डिजाइन भी बनाई है। हाँ बड़ा बता सकते हैं, आ जाइए। एक ये मूर्ति बनाई है नागिन पे है, मतलब ये सिंहासन नागिन पे बनाई हुई है। उसके बाद में एक ये रिद्धि सिद्धि वाली है, और ये एक बैठे चूहे पे भी है, और उसके बाद में एक ये दो मोर डबल मोर वाली है, एक ये बनाई हुई डबल मोर वाली है, ये पूरा एक राउंड है इसमें। उसके बाद वाली सबसे ज़्यादा मूर्ति का डिमांड आई है इस बार, तो ये शिवलिंग है इसके साथ में, इसलिए इसकी सबसे पहले यही बुक हुई है हमारी मूर्ति। कुछ एड्रेस वगैरह बता सकते हो यहाँ का? वार्ड नंबर 10 सद्भाव प्रजापति मूर्ति हाउस रेटी। तो आप ये आर्डर पे बनाते हो कि बनाते भी? आर्डर पे बना लेते हो, बाकी बिना आर्डर की भी बना लेते हैं जी। धन्यवाद राम स्वरूप भाई, आपने बताया हमारे दर्शकों को मूर्ति के विषय में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।